तो गाइस जस्ट अभी ही हम पहुंचे हैं अपने रूम में और गुगलू ने गाइस बड़ा ही ज़्यादा तंग किया। मैं पूछो ना कि क्या हमारी हालत हुई है। और यहाँ से मैं अभी आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ क्यों, जो कि अल्टीमेट व्यू है। वाह, आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कि पहाड़ों में कैसे धुंध पड़ी हुई है। एक बारिश के कारण ही सारा का सारा माहौल ही चेंज हो गया है, एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया। और सुबह जब हम गए थे तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी होने के कारण हमने ना जैकेट्स डाली थी, ना हम रेनकोट लेके गए थे, ना हम छाता लेके गए थे। जो कि हम बता दें कि यहाँ पर देख लीजिए, हम छाता भी अपना लेके आए हुए हैं और अपना रेनकोट वगैरह सारा कुछ कैरी किया हुआ था, बट हम कुछ भी मार्केट में नहीं लेके गए, जिसके कारण हमें बड़ी ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यही कहते हैं कि जो हिमाचल का या पहाड़ों का जो कि मौसम है, उसको चेंज होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। कब बारिश हो रही है, कब धूप चढ़ रही है, कुछ नहीं मालूम। इसे हम तो आज प्रिपेयर हो चुके हैं कि कभी भी चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे बादल हो, छाता ज़रूर अपने साथ कैरी कीजिए बरसातों के दिनों में। फिलहाल और रीमा को कुछ ये वो है, वो जो जोंक लग जाती है, चिपक जाती है ब्लड के साथ, ये छोटी गुगलू को ना दिखाना ऐसे करके। तो ये इसको लीज कहते हैं, ये देखो छोटी। तो यही डर है कि गुगलू को कहीं तो मेरे को फेंको दे, मेरे को गुगलू इसके ऊपर ही ना चिपक जाए, यही होती है। रीमा देखिए कैसे डरती कीड़ों से। तो मैं अभी कुछ इस चीज़ से इसको उठा के फेंक दूँगा। और गाइस एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो कह रही थी ना, वो कहते हैं ना जोंक चिपकने वाली होती है, तो गाइस ये बिल्कुल भी जोंक नहीं है। मैं आपको बता दूँ, मैं कीड़े कूड़े से ये बड़ी डरती हूँ। ये तो मुझे स्नैक्स से ज्यादा ना कीड़े कूड़े, ये हलवा कीड़ा हो गया, ये तो कुछ पिलर हो गया, ये सारी चीज़ों से बड़ी डरती है। ये कुछ ऐसे कोई घास सा पड़ा हुआ जिससे रीमा डर गई, उसने सोचा कि वो जोंके होती हैं वो ना हो। तो वैसे भी रीमा काफ़ी डरती है जोंकों से। कुकली ये बदमाशियाँ कर रहे हैं दोनों। तो और रीमा क्या कहना चाहती है आज के टूर के कारण? मज़ा भी आ रहा है पहाड़ों का लाइफ, अभी तो हमने शुरुआत ही की है, देखो आगे। तो गाइस हमने आज जो हम मकसद में आए हुए हैं, हमने काफ़ी इंफॉर्मेशन ली है और काफ़ी कुछ कंफर्म्ड किया है हिमाचल में। तो आगे आगे देखते हैं क्या क्या आपको दिखाने को मिलता है। नहीं रखा, आप सभी को बताते जाएंगे कि हम क्या क्या करने वाले और क्या क्या करेंगे। रीमा की शॉपिंग की हुई कुछ चीज़ें, बस खाने पीने के लिए ये है अमूल की रसगुल्ला, जो मुँह में देखते काफी रसगुल्ला है, मैंने सोचा स्पंजी रसगुल्ला, स्पंजी टाइप भी होता है रसगुल्ला। तो ये है एक, और एक ये गुगलू का दूध के पैकेट, गुगलू क्या नाम, गुगलू हम कॉफी काफी भी, और ये तो कनफ का फेवरेट है, अभी ना 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 बोलना। हाँ गाइस जो मेरी चीज फेवरेट है। तो और ये ना मैं एक बार बता, पठानकोट में भी ये इतनी बड़ी साइज की नहीं मिलती, नहीं पठानकोट में नहीं मिलती, और पठानकोट में मिलती भी है ना छोटी साइज की मिलती है, और वहाँ पर रेट है 25 रुपए, और यहाँ पर 70 रुपीज़ की, और अभी ये खत्म नहीं हुई है। ये तो गुगलू का कुछ खाने पीने का सामान है, और ये कनफ ने कुछ लिया था, ये बाद में कल के मैं अभी ये लगा ही देना हमने यहाँ पर रूम में अपने। और ये छल्ली मैंने लिया हुआ है, वो देख 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 देख, और ये देखो ये, और चिकन रखा अंदर, ये भी इसलिए, ये कहाँ से मिला, ये डाल डस्टबिन में, किचन की ऑन कर दो, किचन की लाइट कहाँ से होना है, यहाँ बाहर लाइट पूरी उल्टी बुलती है यहाँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे किचन जो कमाल की रख देती हूँ, कभी भी कुछ भी। ये गुगलू को खाना दे, खा ले शायद मे भी, ले ले ले, अच्छा अच्छा, बड़ी शॉट बड़ी शॉट, ले गाइस ये ढूंढता है चिकन चुकन खाने के लिए, इसको ये देखिए इसकी पेडिग्री है, इसकी ये रोटी है, वो नहीं खा रहा, ये मैं तो एक पर खोलने लगी हूं, वो ये देखो क्या नाम को लगा दो, हमेशा आजकल तो जो भी लोग पहले रहा हाथ अच्छी इसी चीज को धो दो, और ये बहुत ही इजी है, इजी अनबॉक्सिंग कर रही है क्या, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, और रसगुल्लों की अनबॉक्सिंग देख लीजिए।
रीमा से देखिए नहीं हो पा रही, ये खोलना बड़ा मुश्किल होता है। ये खाना खोलेगा ये कह रही है कि ऐसे खोल जा रहे सारा खोलना है थोड़ा खोलना ये बड़ा है और थोड़ा खोल दो एक भी जिन जिन को पानी देख दे देखो और गुगली गुगली लग रहा है उसको पता लगे कुछ खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा है कनक देखो कितनी एक्साइटेड बस बस थ्री तो लीजिए गाइस जहाँ से आप शुरू हो चुकी है मिठाई की शौकीन रीमा जो कि रसगुल्ले के साथ और रसगुल्ले के साथ मुझे एक चीज बता कि ब्रेड का क्या कॉम्बिनेशन हुआ वो जो मिलते ना बाजार में तो ये क्या इसमें ब्रेड में क्या चाशनी है क्या ये देखो वाह तो गाइस कहते हैं ना बंगाली रसगुल्ले गुलाब जामुन मिठाई के बड़े शौकीन है तो रीमा का भी कुछ वैसा ही है सीन तो रीमा भी बड़ी शौकीन है और रीमा की प्लेट देख लीजिए और मेरी प्लेट देख लीजिए A few hours later. और हमने बाहर से खाना खुना खा के आई हुई है जैसे कि आप सभी को आपने देख लिया होगा हमने रसगुल्ले एंजॉय किया था तभी किचन में भी सारा किचन भी अच्छुक थी और खाना फिर से गया हुआ है नहाने तो इतनी की बोरिंग और पूरा तैयारी होने की पूरा मैंने तैयारी तुरी पूरा सेटिंग फिटिंग कर दी हुई है और बिल्कुल देखो अभी शाम होने वाली है अभी है कि नहीं क्या करे क्या ना करे कुछ और फ़ोन भी कितने के यूज़ करना है कि नहीं तो आज तो पूरा आधी तो गिला ही हो गया था मैं और गुगलू भी बेचारा देख लो कभी इसको गर्मी लग रही है कभी इसको ठंडी लग जब ठंडी लगती जब गर्मी लगती है नीचे आ जाता है जब गर्मी लगती है या तो ये बैठते हैं या तो अपने जगह में और इसका कुछ खिलौना हमने लेकर भी आई हुई है जैसे कि पुं पुं ताकि हड्डी बोन ताकि इसको बोरिंग ना लगे खाने खुने दो ये देखो मैं कुछ भी नहीं खा रहा है आई थिंक नई जगह और ये मम्मी डोली को भी मिस कर रहा है तो हमने तो बोला था मम्मी डोली को भी चलो लेकिन मम्मी का मम्मी नहीं सफ़र कर सकती देखो जैसे कि मैं बस में सफ़र करूँ तो उल्टी मन खराब होता है बाइक में और मम्मी का मन मम्मी पहले तो मम्मी ने बोला था हाँ चलोगी बाद में फिर बोला मैं क्या करना है ना उधर भी बारिश होगी अभी पंजाब में भी बारिश है तो आप लोग जो काम के लिए ए काम आप लोग आराम से देख दो कि आराम से रह के आओ कोई नहीं मैं फिर कभी क्योंकि अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे मम्मी लोग भी क्योंकि आना जाना तो अभी रह गया हमारा यहाँ तो ये आप कह सकते हो ये हमारा सेकेंड होम हो गया हुआ है हिमाचल ये देखो और इतनी की ये व्यू हम मुझे पसंद आ रही है ना ये देखो इतनी की मज़ा और हाँ काफ़ी लोग बोल रहे हैं सौरभ जैसे कि व्लॉग बनाओ काफ़ी कमेंट आया इंस्टाग्राम में भी काफ़ी आया तो कोई नहीं मैं जल्दी जब क्योंकि ये देखो वुक सारा सामान हमारा सेटअप उधर ही है कॉमेडी वीडियो टाइप बनाना था उधर ही लाइट के से यहाँ लाइट की भी थोड़ी इशू है ये कनक ने लाइट बल्ब एक्स्ट्रा लेके ये देखो एक ही था नहीं तो एक ही थी तो काफ़ी उधर ही जाएगी मैं बढ़िया से सौरभ जैसे कि बनाऊँगी कोई नहीं तो अभी क्या करें टाइम पास कुछ तो करना है इसलिए कनक को भी आने दो और कुछ बातें बूती इंटरेस्टिंग टॉपिक में और मेरा बाल देखो कैसे अजीब से हो रखी है क्योंकि मैंने पूरा उधर बारिश ने ऐसे गोल करके रख दिया तो छोड़ा वैसे तो कोई नहीं ये भी अपना ही बाल है जैसे भी हो तो गाइस ये देखिए अभी रात के 9:30 कितनी टाइम हो रही है था 9:45 और कनक को देखो इतनी की गर्मी बनियान में और मैं देखो कंबल में और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और गाइस बाहर का आपको मालूम ही है पिछले व्लॉग में भी देखा होगा जिन्होंने हमारे मैकलॉड वेजी वाले व्लॉग देखे होंगे कि रीमा बाहर का खा तो लेती है बड़े शौक शौक से बट बाद में भूख तो नहीं मुझे मैंने 3 रसगुल्ले और एक ब्रेड में चाशनी डाल के शायद उसके कारण ज्यादा हैवीनेस तो भूख तो नहीं तो मुझे पड़ती है अभी कह रही है मुझे मेडिसिन है मेडिसिन मैंने दे दी है इसको चूरन मांग रही थी चूरन थैंकफुली कनक ने लाया था ये चूरन ये जलजीरा का पाउच मैंने लाया हुआ था चूरन बना के मैं थोड़ा ये चूरन खा रही है और कह रही है और यहां और मुझे पता है काफी अभी लोगों ने बोले आप इतनी खाती हो देखो घर में तो हम खाते नहीं बाहर आओ ना सभी को पता है लोग बाहर क्यों घूमने एंजॉय किस चीज की होती है खाने पीने का होती है खाने पीने का क्यों ऐसे ये थोड़ा खाने पीने का ही होता है मैंने तो इसको बोला था कि घर में ही कुछ बना ले कहती है
चलो अच्छा फिलहाल कल बनाएगी खुद जी। अच्छा अच्छा देखो आज हमने लंच भी नहीं किया था, वो हमारे ब्रंच, वो कहते हैं लंच ब्रंच, हमारे तो मजा लंच ब्रंच डिनर एक हो गया, तो वो मिठाई खाया था ना और क्या खाया। तो यही बात है कि रीमा को तो मैंने यही बोला था कि बाहर का काम खाते हैं, घर में आके रोटी रोटी बनाते हैं और खाते हैं, क्योंकि घर का खाना घर का खाना। रसगुल्ले खाए, रसगुल्ले तो मैंने आपके सभी के सामने ही खाया, आप कि मैंने भी तीन खाए और इसने पता नहीं चाशनी डाली, चाशनी डब्बे से नीचे गिरा दी। मेरी तो फेवरेट है लस्सी, चाहे गर्मियों में हो चाहे सर्दियों हो चाहे बरसातें हो, लस्सी जब भी मिले मैं पी लेता हूँ। आगे देखो लस्सी की तरह चिट्टा, तो ये देखो मुझे लस्सी ला। ये देखिए चूरन खा खा के और बड़ी ही कमरे में बदबू फैली हुई है तो फिलहाल इस टाइम। और मैंने जैसे कि बोला ना टीवी इतनी बोरिंग लग रहा है ना, कोई टाइम बाद बंदा कितने की फोन में ही। देखते हैं आगे क्या क्या होता है, क्या क्या बनता है। आहिस्ता क्यों बात कर रही है? तो चलिए गुगलू ना उठ जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए। गुगलू ने बड़ा एंजॉय किया ना, बड़ा एंजॉय किया गुगलू ने तो गाइस आज सच में, कभी ये शिवरिंग कर रहा है, कभी डर रहा है, कभी ये बोंक रहा है, कभी और इसका दुश्मन है ये इंसानों को देख के नहीं बोलता, कुत्तों को डॉगी स्ट्रिक्ट जो डॉगी है ना उनको देख के ओहो सारे चुप, इधर धर्मशाला मैकलरगंज के डॉगी डागी सारा चुप, यही एक अच्छा गाइस ये मंकी को देखे भी इसका कोई रिएक्शन नहीं होता उस डॉग्स को, इसको डॉग्स को चाहिए को बस, जैसे छोटे-छोटे मंकी देख रहा पड़ा इसको अजीब सा लग रहा कि क्या और है। कल लाइफ में फर्स्ट टाइम इसने बिल्ली देखा ना। हां बिल्ली इसने भी फर्स्ट टाइम देखी और डर गया, और मंकी भी इसने फर्स्ट टाइम ही देखा होगा मेरे ख्याल से, इसका एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम नए एक्सपीरियंस, अभी इसने वो भी देखना है क्या इसका है। यही मन है बस अपने घर चलो। हाँ ये इसका रोज ही सुबह से कहने का मतलब होता अभी है। देखो इसको इतना अच्छा लग रहा है ठंडा, अभी तो उधर पिछले पिछले हफ्ते भी हम एक बार आए थे धर्मशाला, लेकिन हमने जल्दीबाजी बस कर बड़ा बोरिंग हो रहा है। देखो ये कमरा देखने के लिए आए थे, फिर हमने कोई गुगलू को भी सुबह गए थे, फिर शाम को हम आ गए, हमने कोई शूट नहीं किया कुछ भी नहीं किया, तो यही बताना था। चलो तो चलिए कल मिलते हैं, चलिए बाय 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 बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं।